हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नोबल नेचर पोइम। देखिए, रेनबो जो किताब है उसकी हम पोइम जो पढ़ रहे थे उसका सोलो नेशन हमने सोल्व आउट कर लिया था। आज हम उस किताब का जो रेनबो बुक है उसका जो अपना 12वां लेशन है वो है द नोबल नेचर। देखिए, नोबल का मीन होता है उत्तम और नेचर का मीन होता है प्रकृति स्वभाव, उत्तम स्वभाव। इसके जो पोइट है बेन जॉनसन। पोइट है अपने कौन? बेन जॉनसन। देखिए, बेन जॉनसन है वो इस कविता के माध्यम से, इस पोइम के माध्यम से, इस पोइम के माध्यम से हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज देना चाहता है, संदेश देना चाहता है, वो थीम देना चाहता है, वो क्या है, समझना। अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। वो हमें मैसेज देना चाहता है कि व्यक्ति जो है वो अपने दीर्घकालिक जीवन है उससे महान नहीं बनता है, व्यक्ति तो काम से महान बनता है। यानी हमारी जो पोएम है नोबल नेचर, उसकी जो मेन थीम है, मैसेज है, वो क्या है? वो यह है कि व्यक्ति जो महान बनता है वो केवल काम से बनता है, उसका दीर्घकालीन जीवन उसे महान नहीं बना सकता, केवल उसके उत्तम कार्य ही उसे महान बनाते हैं। तो देखिए, यह अपनी पोइम है। इस पोइम के माध्यम से इस प्रकार के मैसेज जो आपका जो पॉइंट है जो आपको देना चाहता है उसे किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन यहाँ इस पोइम में किया है, देखिए। It is not growing like a tree in bulk, both make man better be. ध्यान से देखना। It is not growing like a tree in bulk, doth make man better be. यानी एक पेड़ के समान बड़ा होना या एक पेड़ के समान बड़े होने से एक व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बनता है, एक व्यक्ति महान नहीं बनता है। डॉथ मेक मैन बेटर बी, डॉथ कार्य, डॉथ का मीन क्या होता है? कार्य। व्यक्ति को महान यदि बनाता है तो वो कौन बनाता है? डॉथ बनाता है, कार्य बनाता है। BULK बल्क, बल्क का मीन क्या होता है? बड़ा, विशाल। तो देखिए, अपनी जो ये दोनों लाइन है वो क्या कहना चाहती है? जिसको मीनिंग की बात करें तो ग्रोविंग बड़ा होना, लाइक के समान, बल्क का मीन आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया बड़ा विशाल, डॉट का मीन होता है कार्य और बेटर का मीन होता है अधिक अच्छा। तो देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यानी एक पेड़ के समान, जब एक कोई एक पेड़ बड़ा होता है, एक पेड़ के समान बड़ा होना या बड़े होना अच्छा नहीं होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है। व्यक्ति जो केवल श्रेष्ठ होता है वो किससे होता है? कार्य करने से ही व्यक्ति क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, महान बनता है। तो ध्यान से देखना, सेकंड जो जो यहाँ पर लाइन बता रही वो क्या है? और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, ओक का मीन होता है ब्लूथ, ओक का मीन क्या होता है? ब्लूथ। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स, और एक बलूत का जो पेड़ है, ये बलूत का पेड़ लंबे समय तक खड़ा रहता है, अर्थात इसका जीवन 300 वर्ष बताया गया है। एक बलूत का पेड़ 300 वर्ष तक जीवित रहता है। टू फॉल ए लॉन्ग एट लास्ट ड्राई बेड एंड सियर, और 300 वर्ष तक ये खड़ा रहकर अपना जीवन यापित कर क्या करता है? टू फॉल, गिर जाता है। ए लॉन्ग एट लास्ट ड्राई बेड एंड सियर, अंत में एक सूखे बिना पत्तियों के मुरझाए हुए लठ के समान ये नीचे गिर जाता है। 300 वर्ष तक इसने अपना जीवन जिया लेकिन कोई श्रेष्ठ काम इसने नहीं किया, और अंत में ये सूख कर, मुरझा कर, बिना पत्तियों के होकर एक लठ के समान नीचे गिर जाता है। अब देखिए, यहां पर जीवन की जो तुलना की गई है, दीर्घकालिक जो जीवन है उसकी तुलना की गई है एन ओक, एक बलूत के पेड़ से। वो इसलिए की गई कि बलूत का जो पेड़ होता है उसका दीर्घकालीन जीवन होता है, 300 वर्ष तक का उसका जीवन होता है। इस 300 वर्ष के जीवन में न छाया देता है, न कोई फल देता है, न कोई और देता है। ये क्या करता है? फिर 300 वर्ष जीने के बाद भी ये क्या करता है?
सूख कर बिना पत्तियों के होकर मुरझा कर ये नीचे गिर जाता है। ड्राई सूखना बेड बिना पत्तियों के सीयर मुरझा कर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अब यहां पर इसके विपरीत एक छोटा जीवन जीने वाला एक प्लांट, एक पौधा, एक फ्लावर को यहां पर दर्शाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए क्या है, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयरर फॉर इन मे। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयरर फॉर इन मे, यानी मई महीने में एक दिन के लिए, जो एक दिन के लिए खिलने वाला लिली कुमुदनी का जो पुष्प है वो फेरर अधिक सुंदर है। किसके? इस ओक के। ए लिली ऑफ ए डे, लिली का कुमुदनी का जो फूल है वो एक दिन के लिए होता है, इज फेरर फॉर इन मे, मई महीने में एक दिन खिलने वाला कुमुदनी का यह पुष्प फेरर। कंपेरेटिव डिग्री किससे कंपेयर किया जा रहा है? ओक, इस ओक के पेड़ से अधिक सुंदर है। ऑल्थो यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि ये जिस दिन खिलता है उसी रात को फॉल गिर जाता है एंड डाई मर जाता है। कुमुदनी का जो पुष्प है या जो लिली आपको बता रखा है उसका जो पुष्प है वो केवल एक दिन के लिए अपना जीवन निर्वाह करता है और उसी जिस दिन ये खिलता है उस रात को इसका अंत हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यह जो पौधा और जो ये पुष्प है वो प्रसन्नता का द्योतक है। लाइट का मीन होता है यहाँ पर प्रसन्नता या प्रकाश। यह जो पुष्प है, ये कुमुदनी का जो पुष्प है या फिर ये पौधा है, ये क्या है? प्रसन्नता के प्रतीक है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस छोटे आकार वाली वस्तुओं में वी जस्ट ब्यूटीज सी हम सुंदरता देखते हैं। ऐसी वस्तुएं जो बहुत छोटी होती है उन छोटी वस्तुओं में भी हम क्या देखते हैं? सुंदरता देखते हैं। प्रोपोर्शंस आकार वाली, स्मॉल छोटी, ब्यूटीज सुंदरता। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, एंड और इन शॉर्ट मेजर एक छोटी अवधि में भी लाइफ जीवन में हो सकता है परफेक्ट भी पूर्ण, और एक छोटे से जीवन में भी, जो छोटे से अवधि होती है उस अवधि में भी जीवन जो है वो परफेक्ट बन सकता है, पूर्ण बन सकता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज, जो थीम आपके बनेगी वो थीम बनेगी कि पॉइंट आपको संदेश देना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने दीर्घकालिक जीवन से महान नहीं बनता है, व्यक्ति जो महान बनता है वो केवल और केवल उसके कार्य से महान बनता है। तो यहां पर जो आपका पॉइंट है, जो बेन जॉनसन है, ये बेन जॉनसन अपने लाइफ की जो कंपेयर है वो एक तो ओक का जो जिसे अपन बलूत कहते हैं उस बलूत के पेड़ से करता है, और दूसरा जो एक दिन के लिए खिलने वाला पुष्प जिसे कुमुदनी का पुष्प कहते हैं उस कुमुदनी के पुष्प से इसकी कंपेयर करता है। दीर्घकालिक जीवन बताया गया है ओक के पेड़ को कि लंबे समय तक जीता है लेकिन अंत में ये क्या करता है? सूख कर मुरझा कर एक लट के समान नीचे गिर जाता है। लेकिन जो एक लिली होता है वो केवल एक दिन के लिए खिलता है, उसी रात को यह मर जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन यह अपनी सुंदरता के माध्यम से सभी को क्या कर जाता है? ये प्रसन्न कर जाता है। तो यहां पर पॉइंट हमें बताना चाहता है कि एक छोटी सी अवधि में भी हम किसी भी प्रकार के जो भी यहां पर जीव है, वस्तु है, उनमें प्रसन्नता को देखते हैं, और क्या है जो उनका छोटा सा जो अवधि है, जो छोटा सा उनका जीवन है, इस छोटे से प्रोपोर्शन में भी, इससे छोटे से अपने आकार में भी वो क्या कर सकते हैं? अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। ये था अपना जो पोएम है जो हम मैंने जो है ट्रांसलेशन इसका बता दिया। अब देखते हैं इसके आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं, देखिए नेक्स्ट। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आपकी जो ये पोएम है वो थीम क्या बनाती है। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले इसकी थीम बनाएंगे। देखिए द थीम ऑफ द पोइम अंडरलाइंस
द इंपोर्टेंस ऑफ नोबल नेचर एंड नोबल डीड्स। देखिए बात को समझना। यहां पर जो इसकी थीम बनेगी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द थीम ऑफ नोबल नेचर, हो सकता है कि आपको जो है इस थीम के ऊपर डिस्कस करने के लिए बोल दे। तो थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम अंडरलाइंस द इंपोर्टेंस ऑफ नोबल नेचर एंड नोबल डीड्स। आपकी जो ये पोएम है वो क्या करती है, नोबल नेचर और जो नोबल डीड्स है, नोबल नेचर उत्तम स्वभाव और जो उत्तम अपने कार्य है उनकी इंपोर्टेंस, उनकी जो महत्वता है उस महत्वता को हमें एक्सप्लेन में लाना, हमें बताना चाहती, सॉरी चाहता है कौन, ये बेन जॉनसन। ठीक है, तो इस पोइम का जो मैसेज है वो यही बनेगा कि व्यक्ति जो है वो हमेशा उत्तम कार्य से और उत्तम जो नेचर रखेगा तभी वो मान बनेगा, अच्छे कार्य करेगा तभी मान बनेगा, उसके दीर्घकालीन जीवन से वो कभी भी महान नहीं बन सकता है। देखिए एग्जाम में इस प्रकार का जो स्टेंजा आपको दिया जाता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे। देखिए बोर्ड की एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका स्टेंजा दिया था और इस स्टेंजा में ये आपके टू क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, प्रत्येक एक के दो नंबर का क्वेश्चन है, चार नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे गए। देखिए समझना क्या कह रहा है ये, व्हाट हैपेंस विद एन ओक ट्री एट द एंड, यानी अंत में ओक ट्री के साथ क्या हैपन हुआ, ओक ट्री का क्या हुआ। तो देखिए ओक ट्री अंत में क्या करता है, टू फॉल ए लॉन्ग एट लास्ट ड्राई बेंड एंड सीयर। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन लोग यहां पर जो इसका क्वेश्चन बनेगा, एट द एंड अंत में इसका ओक ट्री क्या करता है, अंत में ओक ट्री टू फॉल गिर जाता है एक लॉन्ग एट लास्ट ड्राई बेंड एंड सीयर, यानी सूख कर बिना पत्तियों का होकर और मुरझा कर वो क्या करता है, अंत में गिर जाता है। तो इससे आपका क्या बनेगा, इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एन ओक सिंबलाइज। अब देखिए यहां पर ओक का जो पेड़ है वो किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है, किस प्रकार से इसको सिंबलाइज अपने लाइफ से किस तरीके से इसको सिंबलाइज किया है। तो देखिए इसको सिंबलाइज करने का जो यहां पर मैटर बताया है वो क्या है कि ओक का जो पेड़ है वो क्या है, एक तो लॉन्ग लाइफ, ठीक है, इसकी जो कंपेयर किया गया, इसका जो सिंबल बताया गया किसे बताया गया है, एक तो लॉन्ग लाइफ को और दूसरा अनमीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, यानी इसकी जो लाइफ है वो अनमीनिंगफुल होती है, इसकी लाइफ जो है वो कोई बेनिफिशियल नहीं होती है, अनमीनिंगफुल लाइफ होती है। अब जैसे आगे वाला आएगा उसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट डज एन, अब यहाँ ओक, सॉरी जो एन ओक था उसकी जगह क्या दे देगा, यहां पर आपको क्या दे देगा, लिली का सिंबलाइज। तो लिली किस तरीके से सिंबलाइज है, तो लिली क्या है, शॉर्ट लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ, शॉर्ट लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ के लिए तो कौन रहेगा, लिली, और एन ओ क्या हो जाएगा, लॉन्ग लाइफ और अनमीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, ये इसके सिंबलाइज थे। इस तरीके से हमें क्या करना है, पोइम का जो स्टेंजा दिया जाएगा उस स्टेंजा से अपना क्वेश्चन भी इस तरीके से हमें पुट अप करना होगा, इस तरीके से आंसर लिखना होगा। आज के लिए इतना ही, आगे जो है आने वाली क्लास में हम देखेंगे। जय हिंद।